फ्रेंड्स, मैं हूं डिकेटोइट। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे कोकोडाइल पार्क, जो कि जांजगीर चांपा जिला में है। यह बिलासपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आप बिलासपुर रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हैं। मात्र 10 रुपये टिकट है, जो कुटमी सुनार स्टेशन के जस्ट पास में है। तो चलिए आपको आज लेके चलता हूँ कुटमी सुनार। तो ये है इसका एंट्रेंस जो गेट है, और यहाँ से हम जा सकते हैं अंदर। ये है टिकट काउंटर, और यहाँ पर है इसका जो है कितने रुपए फ़ी ली जाती है एंट्री के लिए। जैसे वयस्क के लिए 20 रुपये, 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 10 रुपये, और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क, और कुटमी सोनार के ग्रामीणों के लिए निःशुल्क है, और कैमरा के लिए यह है 50 रुपये इसका शुल्क टिकट है। काउंटर। यहाँ से लेते हैं अपन टिकट। ये है यहाँ की टिकट मगरमच्छ काउंटर। यहाँ से है हमारी एंट्री। ये जो है सबसे पहले तो प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है, और इसका ये एंट्रेंस है। अब आगे और अगर आप अंदर जाते हैं तो ये मैप भी देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ पर क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो के लिए। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये है यहाँ का मुड़ा तालाब। यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 लोग इसे देखने यहाँ पे आते हैं। टिकेटविट, तो आज मैं आ गया हूँ कोकोडाइल पार्क में, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोकोडाइल। और आज हमारे साथ यहाँ स्कूली बच्चे भी आए हैं, और यहाँ एक स्थानीय बाबा हैं जो बुलाते हैं कोकोडाइल को, और कोकोडाइल आता भी है। तो देखिए, ये हैं, दिखाता हूँ मैं आपको बैक। रामदास मेरा नाम है। एक छोटा सा मंदिर है, वही जोगिया तालाब है, उसी में मैंने 20 साल आगे से मगर को पाला था। इतना मोटा दूध रहे, उसको बुलावे, जनता को दिखावे। इसे गांव में 22 तालाब है, 22 तालाब में से मगर पकड़ 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 यहाँ ला के डालना लगे। किसी और तालाब में मिला उसको भी पकड़ के ले जाकर डालते रहे, कहीं और मिला उसको पकड़ के लाते रहे, गाँव वाले भी लाते रहे।
मगरमच्छ होंगे इसमें? अब इसमें कम से कम 500 से कम नहीं होंगे, छोटा बड़ा। मूला तालाब है साहब, इसका नाम मूला तालाब है, इसमें इतना ही मगर है। जहाँ से आते हैं उसको पकड़ के सरकार इसी में जाकर डांटता है। इसके खाने के लिए 35 लाख मछली के बीज डांटता है। मछली 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो खो गई हैं। ये भूखा नहीं है, ये बस पकड़ते खाते हैं। मेरा प्रेम इनके में इतना जोर है कि मत पूछिए साहब, कहीं से बुलाऊंगा तो भर भर आपका तालाब है। हाँ। इस तालाब में अभी अधिकतम कितने साइज का मगरमच्छ होगा, कितने साइज का? इसमें 12 फीट का, 8 फीट का, 9 फीट का, 10 फीट का, 5 फीट का, 3 फीट का, इतना बड़ा बड़ा भरा हुआ मगर है। 12 फीट तक के मगरमच्छ है यहाँ? हाँ, 12 फीट का है। ये जो सामने मार्ग का काला है वो 11 फीट 4 अंगुल है। चलिए तो चलते हैं अंदर, वहाँ देखते हैं। हाँ। है। ये अब चलते हैं हम क्रोकोडाइल पार्क की ओर, और आज हमें सीताराम जी हैं वो दिखाने वाले हैं क्रोकोडाइल पार्क के, और जो हमारे मगरमच्छ जिसे हम मंगरा बोलते हैं वो, तो चलिए देखते हैं। पानी वाला जो एरिया है वो 80 एकड़ में फैला हुआ है। ये 2008-09 में जो है इसका लोकार्पण किया गया था, और यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में जो है वो किया गया था। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये है यहाँ का क्रोकोडाइल पार्क। तो दोस्तों ये है क्रोकोडाइल पार्क। ये पानी वाला एरिया जो है 80 एकड़ में है, जस्ट इसके फ्रंट में 40 एकड़ एरिया जो है ये पार्क बनाया गया है, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। या आप यहाँ पर बच्चे जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगे हैं, तो ये झूले के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, झूले झूल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक कैंटीन भी है, जहाँ पे आप जब पिकनिक के लिए आते हैं या बर्थडे के लिए आते हैं तो यहाँ पे भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये है यहाँ की कैंटीन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको क्रोकोडाइल पार्क? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, नए नए प्लेसेस के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच। डिकेटोइट।